तो गौतम ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ट्रॉफी BS6 और BS4 और BS3 के लिए। तो मतलब कि BS6 आज की गाड़ी क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। क्यों जरूरी है उसमें 2 से 2.5 लीटर तेल रखना? क्यों शोरूम कहती है कि 2 से 2.5 लीटर आप तेल रखें, उसमें फ्यूल रखें? नहीं तो आपका मोटर जल जाएगा, तो आपका काफ़ी खर्चा आ सकता है, 10 से 12 हज़ार के लगभग। तो आज उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए हमारे पास दोनों हैं। ये आज का गाड़ी क्या है जो BS6 में इस टाइप का मोटर लगा हुआ आता है, तो इसलिए हमें इसमें 2.5 से 3 लीटर तेल रखना ज़रूरी है। ये हमारा है मोटर। अगर इसमें 2.5 से 3 लीटर तेल नहीं रखेंगे तो ये मोटर जल जाएगा। इसलिए जल जाएगा, ये इस तरह खड़ा रहता है। ये खड़ा रहने के कारण क्या है, ये पूरा फ्यूल में डूबा हुआ होना चाहिए टंकी में हमारे। अगर नहीं ये डूबा हुआ रहेगा तो ये हमारा मोटर जल जाएगा। और कार्बेटर अब पहले की तरह गाड़ियों में नहीं है, कार्बेटर के जगह ये आ गया है, मोटर आ गया और फ्यूज इंजेक्टर आ गया है। तो और बैटरी भी होना कंपलसरी। अगर बैटरी नहीं रहता है तो इसमें देखिए 12 वोल्ट का करंट ज़रूरी है। जब जैसे ही आप चाबी ऑन करेंगे तो देखिएगा कि आपके टंकी में एक आवाज़ सा आएगा गन से करके, तो ये मोटर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये मोटर स्टार्ट होता है फ्यूज इंजेक्टर को ये तेल देना शुरू करता है, तब जाकर आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। तो ये है आज की गाड़ी में ये लगा हुआ आ रहा है, इसलिए 2.5 से 3 लीटर ऑयल रखना जरूरी है। और देखिए पहले की जो गाड़ियाँ आती थी, पहले की गाड़ी में इस तरह का ये पेट्रोल टैप लगा हुआ रहता है, देख सकते हैं आप ध्यान से। ये टैप लगा हुआ रहता था तो सिर्फ इसमें ऑन रहता था, मेन रहता था। आपने नीचे किया तो मेन में ये गाड़ी है, और जैसे ही 1 लीटर तेल होती थी तो मेन में जब रहता था तो ये डूबा हुआ रहता था। तो मेन में जब रहता था यहाँ तक जब आता था लगभग 1 लीटर से लगा तो ये रिजर्व मांगता था, तो आप ऊपर ही से कर देते थे तो ये रिजर्व हो जाता था। तो पहले का कार्बेटर रखा हुआ तो जल्दी तक कोई कैंसर नहीं करता, लेकिन बट अगर आज की गाड़ी में अगर आप नहीं अगर 2.5 से 3 लीटर तेल रखेंगे तो आपका लगभग 10 से 12 हज़ार का खर्चा आ सकता है और काफ़ी आपको परेशानी आ सकती है। देखिए आज का टॉपिक था दोस्तों, धन्यवाद। और हमारे ये चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।